अरे आपको देश बर्दाश्त कर रहा है यही सबसे बड़ी बात है आपने तो देश की अस्सी करोड़ जनता को भिखारी बना डाला है देश के माननीय प्रधानमंत्री को झूठ और बकैती करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती ये कंप्यूटर भी 2014 के बाद आया है तमाम मोबाइल जो है दो के बाद आया है इस देश में सब 2014 के बाद जितना एयरपोर्ट आजादी पो, भी 2014 के बाद हाँ 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 बीजेपी वाले कहते हैं स्वतंत्र भारत जो हुआ है 2014 के बाद हुआ है जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हुए हैं एक दिन का किया हुआ या दस साल का किया हुआ नहीं है जब से भारत स्वतंत्र हुआ तमाम वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी से और तमाम जगह से पैदा हुए उन सभी वैज्ञानिकों को मैं बधाई देता हूं देश को आपने किस स्तर पर पहुंचा दिया है हा बताइए कितने शर्म की बात है इन्हीं के पार्टी के सांसद तो और विधायक तमाम तरह के आरोप इन्हीं के सरकार पे लगा रहे हैं जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया है जो सत्तर साल में कांग्रेस की सरकारों ने या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों ने बनाया है उसे इन्होंने बेचा है अटल जी की बुराई हम लोग नहीं करते वो भी भाजपाई थे कभी कांग्रेसी नहीं थे कभी उनकी बुराई नहीं करते हैं अटल जी की तमाम योजनाओं की तारीफ करते हैं पूरा देश देख रहा है और इसका हिसाब आने वाले लोग में लेगा लड़ाई जनता लड़ती है पीड़ित जनता होती है और इनको उखाड़ के फेंक देगी नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी सरकार को बहुत घेरते हैं चंद्रयान तीन जो है सफल लैंडिंग हो गई अब सरकार को बधाई देंगे कि नहीं मैं देश की जनता देशवासियों को उन वैज्ञानिकों को उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं कि आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया है और आप लोगों को आप लोग ही बधाई के पात्र हैं इसमें आज पंडित नेहरू को उनके आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर उनकी पहचान को आपने बरकरार रखा है ये एक दिन का किया हुआ या दस साल का किया हुआ नहीं है जब से भारत स्वतंत्र हुआ तमाम वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी से और तमाम जगह से पैदा हुए उन सभी वैज्ञानिकों को मैं बधाई देता हूँ देशवासियों को बधाई देता हूँ देश के लिए बड़े गौरव की बात है आधुनिकता के सबसे बड़े जो श्रेय जाता है वो नरेंद्र मोदी को जाता है डिजिटलाइजेशन जो है उन्होंने ही किया है अच्छा ये कंप्यूटर भी 2014 के बाद आया है तमाम मोबाइल जो है 2014 के बाद आया है इस देश में फोन वगैरह तमाम टीवी कैमरा सब 14 के बाद आया है मीना उना कुमारी और मुगल आजम जो पिक्चर की हीरोइन थी मधुबाला दिलीप कुमार ये थे ही नहीं सब 2014 के बाद जितना एयरपोर्ट आजादी भी 2014 के बाद हाँ 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 हा, बीजेपी वाले कहते हैं स्वतंत्र भारत जो हुआ है 2014 के बाद हुआ है जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हुए हैं जिन्होंने घोषणा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कहा कि मैं मैं ही 2024 15 पंद्रह अगस्त का भी झंडा फहराऊंगा जैसे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता उनकी चपरासी है और नौकर है अरे आपको देश बर्दाश्त कर रहा है यही सबसे बड़ी बात है नहीं तो श्रीलंका सीरिया अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान की दशा आप देख लीजिए देश को आपने किस स्तर पर पहुंचा दिया है मणिपुर पे किस तरह की शीछा लेदर हुई है आपकी आप अमेरिका गए थे वहाँ के पत्रकारों ने जिस तरह से क्वेश्चन किया है आपकी पार्लियामेंट में किस तरह से शीछा लेदर हुई है मेवात को लेकर के हुई है महिलाओं की जताबरू पर हुई है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में नहीं लिया होता तो देश के माननीय प्रधानमंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलते पार्लियामेंट में उन्होंने बोला मात्र नब्बे सेकंड यानी डेढ़ मिनट और छत्तीस सेकंड के करीब इन्होंने बोला पार्लियामेंट से बाहर कि मैं बहुत पीड़ित हूँ बड़े गुस्से में हूँ तो भैया वहाँ के मुख्यमंत्री जो है बोलने नहीं दे रहा ना पार्लियामेंट में इसलिए बाहर आके बोलना पड़ा अच्छा ये सबसे बड़ी बात है तीन सौ तीन की संख्या आपके पास है और पचास सौ संख्या वाले लोग आपको बोलने नहीं दे रहे हैं गजब का है यानी पंद्रह लाख आपने कहा वो सबके खाते में आ गया आपने तो देश की अस्सी करोड़ जनता को भिखारी बना डाला है पाँच किलो राशन पे वो आश्रित हैं तनिक भी लज्जा नहीं आती देश के माननीय प्रधानमंत्री को झूठ बकैती करते हुए पूरा देश एक चुटकुला है मैं कहीं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ओबामा साहब कह रहे हैं किसी ने डाल दिया होगा शरारती तत्व कह रहे थे कि भारत की भी जनता गजब की है कि मनोरंजन के लिए एक प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया आप जानती हैं जब विदेशों में आ इधर उधर हमारे देश के बारे में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से वक्तव्य सुनने को मिलते हैं तो हम लोगों को कितनी पीड़ा होती है आपको कुछ पीड़ा नहीं होता आपको खुशी होती है आप लोग कांग्रेसी हैं कांग्रेस के लिए सोचते हैं ये प्रधानमंत्री को सिर्फ बुरा बुरा बोलते हैं टारगेट बना लिया है मैं अटल जी की बुराई हम लोग नहीं करते वो भी भाजपाई थे कभी कांग्रेसी नहीं थे कभी उनकी बुराई नहीं करते हैं अटल जी की तमाम योजनाओं की तारीफ करते हैं आप बताइए कि भी पंडित राहुल गांधी ले लद्दाख गए वहां की जनता ने कहा है पेंगांग झील के पास जो चारागाह था उसको चाइना ने कब्जा कर लिया और देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहता है कि हमारे वहां न कोई आया है न कोई घुसपैठ हुई है न कहीं कुछ हुआ है बताइए कितने शर्म की बात है इन्हीं के पार्टी के सांसद और तो विधायक तमाम तरह के आरोप इन्हीं के सरकार पे लगा रहे हैं चाहे मणिपुर के विधायक हो या मणिपुर से राज्यसभा के या लोकसभा के सदस्य हो कि हमको नहीं बोलने दिया गया मणिपुर के ऊपर आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि आप ट्रेन को हरी झंडी आप ही दिखाएंगे रोड का फीता आप ही काटेंगे कॉलेज हो टॉयलेट का भी फीता आप ही काटेंगे और को मंत्री जितने बना दिए गए हैं वो चौकीदारी करने के लिए बनाए हैं कि पानी पिलाने के लिए लोगों को बनाए आप बताइए मुझे जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया है जो सत्तर साल में कांग्रेस की सरकारों ने या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों ने बनाया है उसे इन्होंने बेचा है यहां तक कि रिजर्व बैंक में जो रिजर्व खजाना रखा हुआ था उसको भी नहस तो कर दिया है और सख्त निर्देश दिया गया है ब्यूरोक्रेटों को या तो सरकार के आदेश का पालन करो आ नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो तमाम देश का तमाम देश का तमाम विकास भि, की योजनाएं ठप पड़ी हैं माल नहीं है आने वाली सरकारें 2024 में जो बनेंगी उनको कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए सोचना पड़ेगा एक लाख कुछ हजार करोड़ रुपया इन्होंने बट्टे खाते में डाल दिया माननीय मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे विश्व के सबसे बड़े शिक्षाविद अर्थशास्त्री आप जानती हैं एक पेन से दो मिनट के अंदर देश के तमाम किसानों का पचहत्तर हजार करोड़ कर्जा माफ कर दिया था लेकिन किसी उद्योगपति के पैसे को कर्जे को नहीं माफ किया था आप बताइए सनी देवल का करोड़ आप राइट कर दे रहे हैं? भाजपा का सांसद है? अड्डानी का जो कोयले की घोटाले की फाइल खुली हुई थी उसकी जांच ही रोक दिया आप दर्शाना देश में क्या चाहते हैं देश को कहा ले जाना चाहते हैं विकास की ओर विकास की ओर की विनाश की ओर जिस देश की अस्सी करोड़ जनता पांच किलो राशन पर आश्रित हो यानी भूखमरी हो काम ना हो रोजगार न हो आप बताइए ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा जो सफाई कर्मचारियों का पैर धोए हाँ ऐसा मुख्यमंत्री भी नहीं मिलेगा जो उसके पार्टी के कार्यकर्ता गरीब हिंदू आदिवासी दलितों पर सुसु करें और जा कर के फर्जी तरीके से पांव पखारे यही तो भाजपा का चलचरित चेहरा है पूरा देश देख रहा है और इसका हिसाब आने वाले लोकसभा में लेगा अभी पाँच स्टेट का चुनाव है कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि बीजेपी को टक्कर दे ये आपकी सोच होगी लड़ाई जनता लड़ती है पीड़ित जनता होती है और इनको उखाड़ के फेंक देगी आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा और एनडीए गठबंधन चुनाव हारेगा आपको कैसे पता है वो प्रधानमंत्री कह रहे कि हम आएंगे आप कह रहे हैं, हम आएंगे प्रधानमंत्री क्या ईवीएम वगैरह सेट कर लिए हैं ईवीएम से खेला करेंगे क्या तो कर्नाटक कैसे जीत है? जाते हैं बाकी तो राज्य कैसे जीत जाते हैं आप उनसे पूछिएगा जब बड़ी मछली फंसाने के लिए छोटी मछली को चारा के रूप में डाला जाता है मतलब आप ये मानते हैं कि कर्नाटक और जो भी राज्य कांग्रेस ने जीता है वो बीजेपी, बीजेपी जान की देन के हारी है बीजेपी की देन है बीजेपी जान के हारी है उपहार में दिया है बीजेपी ने उपहार ने दिया है। में दिया है ये भी मान लीजिए वहाँ आई भी में गड़बड़ी नहीं हो पाई कांग्रेस ने अपने दम पर नहीं जीता नहीं जीता है और बोलिए समझ रही है भाई ये कहानी है तो आपने सुना चतुर्वेदी जी को जो कि साफ तौर पर इन्होंने पीएम मोदी को घेरने का काम किया बधाई दी चंद्रयान तीन के लिए लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार को नहीं दिया जनता को दिया है ये आ, कहना साफ तौर पर लोगों के कांग्रेसी है तो इसलिए ये उनका विरोध करते हैं बाकी आपको सोचना है असलियत क्या है सच्चाई क्या है एनडीए वर्सेस इंडिया की एक बहुत बड़ा सवाल है कौन जीतेगा कौन जाएगा आपको तय करना है पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी जनहित आवाज